और इस बीच फतेहपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि जनपद में एक बार फिर से तबादला एक्सप्रेस शुरू हो गई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी हुई लिस्ट, एक निरीक्षक समेत 12 उपनिरीक्षक के हुए तबादले। प्रशासन को चुस्त दुरुस्त बनाए जाने के लिए किए गए हैं ये फेर बदल। बता दें एक बार फिर से जनपद में तबादला एक्सप्रेस शुरू की गई है। इसमें एक निरीक्षक समेत 12 उपनिरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। इसमें कहा गया है कि प्रशासन को चुस्त दुरुस्त रखने के लिए ये फेर बदल किए गए हैं। जनपद में एक बार फिर से चली तबादला एक्सप्रेस, एक निरीक्षक और 12 उपनिरीक्षकों के तबादले किए गए हैं। पुलिस अधीक्षक कार्यालय से लिस्ट जारी कर दी गई है। प्रशासन को बेहतर बनाए रखने के लिए ये फेरबदल किए गए हैं। कानपुर देहात से अगली खबर है, जहां आपको बता दें कि दबंगों की दबंगई इतनी ज्यादा बढ़ गई कि एक दर्दनाक मामला सामने आया। दरअसल दबंगों ने युवती को रास्ते से पहले किडनैप किया, उसके बाद 3 दिन तक उसके साथ गैंगरेप किया। तो वहीं पीड़ित युवती ने पुलिस को तहरीर देकर रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है, पर पुलिस के ढीले रवैये के चलते पुलिस ने अब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। पच्चीस अप्रैल की हम खेत पे जा रहे थे, पापा मम्मी गेहूं काटने गए थे और हम खेत पे जब गाय आए को सानी वानी करके जा रहे थे, तब पानी लेके तब रास्ते में 3 लोगों ने हमें बेहोशी हालत कर लिया। तो वो थे उसमें लुक्का पाठक, भूरा पाठक, छुन्ना मिश्रा। तब खेत पे जा रहे थे तब ले गए अंधेरी कमरे में पाया, हमें अपने साथ में 30 तारीख लग रखा, मेरे साथ में गलत काम किया। अब जब 30 तारीख को शाम को 7 बजे के बाद वे उसी हालत में छोड़ गए। सावधान सावधान सावधान, आप स्वाद से अगर चटकारे ले रहे हैं या पाव भाजी या फिर बिरयानी के चटकारे मारकर खपा खप खा रहे हैं तो आप पूरी तरह से सावधान हो जाइए। आप नकली मसाले जो गधे और घोड़े की लीद से बने मसाले बन रहे हैं, कहीं आप वो तो नहीं खा रहे? जी हां, हम बात कर रहे हैं चटखारेदार नकली मसालों की। दरअसल उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद, जो कि सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है, यहां ऐसा ही वाक्या सामने आया है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि यहां का एक नकली मसाले का कारोबारी नकली मसालों को, चटकारेदार मसालों को बनाकर पूरे प्रदेश में सप्लाई करता है। ऐसी एक मसाले की फैक्ट्री आस्था एंटरप्राइजेस का भंडाफोड़ खाद्य विभाग की टीम के साथ साथ हमारी टीम ने भी किया है। ये फैक्ट्री लालाऊ रोड पे स्थित है और आस्था एंटरप्राइजेस के नाम से संचालित है। 2018 से इनका निर्माण कार्य चल रहा है और इनके यहाँ छापेमारी में काफ़ी सारी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसमें साइट्रिक एसिड और कुछ पौधे के भूसे और पाउडर्स बरामद हुए हैं, जिनको काफ़ी मतलब गधे की लीद या घोड़े की लीद होने की संभावना बताई जा रही है। इस पर फैक्ट्री को सील करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। ये फैक्ट्री लालाऊ रोड पर स्थित है। महाराष्ट्र में ग्राम पंचायत चुनाव के नतीजों में राज्य में सत्तासीन शिंदे और बीजेपी गठबंधन ने बड़ी जीत हासिल करने का दावा किया है। महाराष्ट्र में बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि राज्य की जनता ने इसके साथ ही शिंदे फडणवीस सरकार पर भी मुहर लगा दी है। साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि 50% से ज्यादा नवनिर्वाचित सरपंचों ने सत्तारूढ़ शिंदे बीजेपी गठबंधन का समर्थन किया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के नेता बावन कुले ने कहा कि महाराष्ट्र के 16 जिलों की 547 ग्राम पंचायतों के चुनाव रविवार को हुए थे, इसमें 76% से ज्यादा मतदान हुआ था और सोमवार को मतगणना हुई थी। ऐसे में ये ग्राम पंचायत चुनाव दलीय के आधार पर नहीं हुए थे, लेकिन जीत के बाद 50
फीसदी से ज्यादा सरपंचों ने हमारी गठबंधन सरकार का समर्थन किया था। खबर आजमगढ़ के सरायमीर थाना क्षेत्र के मोहल्ला चाक काजी की है, जहां सोमवार को एक महिला पर एक धार्मिक पुस्तक जलाए जाने का मामला सामने आया है। दरअसल आरोपी महिला अपने घर पर ही धार्मिक पुस्तक को जलाने का प्रयास कर रही थी कि तभी धार्मिक पुस्तक के कुछ पन्ने जले थे। बता दें कि दूसरे समुदाय के एक व्यक्ति की इस पर नजर पड़ी। महिला की इस हरकत को देखकर वो आग बबूला हो गया, जिसके बाद थाने में जाकर एक पक्ष ने महिला के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। इस आधार पर ही पुलिस ने दो समुदायों का मामला देखते हुए आनन फानन में महिला को हिरासत में लेकर थाने ले आई, जहां आरोपी महिला से पूछताछ शुरू कर दी गई है। मामला दो समुदाय के बीच होने के चलते एएसपी यातायात भी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल में जुट गए हैं। सावधान सावधान सावधान। जी हाँ, अगर आप स्वाद से चटकारे ले रहे हैं या पाव भाजी या फिर बिरयानी के चटकारे मारकर खा रहे हैं, तो आप पूरी तरह से सावधान हो जाइए। एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां पर आप सभी को सावधान होने की जरूरत है। कहीं आप नकली मसाले जो गधे और घोड़े की लीद से बने होते हैं, कहीं आप वो तो नहीं खा रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं चटकारेदार नकली मसालों की। दरअसल एक ऐसा ही मामला उत्तर प्रदेश के जनपद फिरोजाबाद से सामने आया, जो कि सुहाग नगरी के नाम से जाना जाता है। यहां ऐसा ही एक वाक्या सामने आया है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहते हैं कि यहां का एक नकली मसाले का कारोबारी नकली मसालों को, चटकारेदार मसालों को बनाकर पूरे प्रदेश में सप्लाई करता है। ऐसी एक मसाले की फैक्ट्री आस्था इंटरप्राइजेस का भंडाफोड़ खाद्य विभाग की टीम के साथ साथ हमारी टीम ने किया और सच्चाई सबके सामने लाई गई। ये फैक्ट्री लालाऊ रोड पे स्थित है और आस्था इंटरप्राइजेस के नाम से संचालित है। 2018 से इनका निर्माण कार्य चल रहा है और इनके यहाँ छापेमारी में काफ़ी सारी ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें बरामद हुई हैं, जिसमें साइट्रिक एसिड और कुछ पौधे के भूसे और पाउडर्स बरामद हुए हैं, जिनको काफ़ी मतलब गधे की लीद या घोड़े की लीद होने की संभावना बताई जा रही है। इस पर फैक्ट्री को सील करके आगे की कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ इस खास पेशकश आस्था इंटरप्राइजेज मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।